Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रकाश। मिशन एब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। मैं उन सभी व्यूअर को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं ये मैं इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। दोस्तों इससे पहले हमने कनाडा के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो कि कनाडा वीज़ास के बारे में, कनाडा इमिग्रेशन के बारे में, ठीक है, और कनाडा से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूअर की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज़ कनाडा के बारे में बताएं और कनाडा इमिग्रेशन के बारे में स्पेशली बताएं। तो कनाडा इमिग्रेशन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाएं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल लगा लेते हैं एक बार। बट एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाने से पहले आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है आपका आइलेट्स, लिसनिंग में 8, रेस्ट में आपका 7 बैंड्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास इस कैटेगरी के बैंड्स हैं, इतना आप बैंड्स गेन कर लेते हैं तो आपको इजीली एक्सप्रेस एंट्री में अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छा वेटेज मिलेगा आपकी प्रोफाइल को। और दूसरा है कि वेस, वेस होता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। अब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि आपके क्रेडेंशियल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसको इवेल्युएट करना, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना कि जो आपने इंडिया में बैचलर किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, क्या वो कनाडा में बैचलर डिग्री ही मानी जाती है या फिर उसको मास्टर्स ही माना जाता है। कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिनको कनाडा में बैचलर मान के चलते हैं जो कि इंडिया में मास्टर्स हैं। तो अगर आपने कुछ भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है या फिर मास्टर्स किए हुए हैं आप, तो उसका इवेल्युएशन करने को ही जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है वेस, द वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है। तो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज आपका क्या करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके, सॉरी एक फाइल बना के अपने उसे सेंड करना होता है, उसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करनी होती है। देन वो क्रॉस वेरिफिकेशन करके उसको आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ से क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजने हैं, आपको कनाडा भेजने हैं, उसके बाद आपको वेस क्लियर होगा। जैसे ही आपका वेस और आइलेट्स क्लियर हो जाता है तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल लगा दें, विद इन 4 to 6 months आपको कनाडा का PR मिल जाएगा। अब एक्सप्रेस एंट्री क्या है उसके लिए आप मेरा यहाँ एक वीडियो बनाया मैंने, देखिए ये कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, इसको देख सकते हैं, और पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है ये उसके लिए अलग सा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री है ये टोटली पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है और एक्सपीरियंस बेस्ड आपका एंट्री है। इसमें एक्सपीरियंस जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको लिया जाता है, एटलीस्ट आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेस क्लियर होना चाहिए और आपका आइलेट्स क्लियर होना चाहिए, देन आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 6 months आप कनाडा के सिटीजन बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, वेस क्या है और इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन वेस और हाउ टू अप्लाई कनाडा वेस, ठीक है। तो इसके लिए आपने अपने URL पर जाना है, अपने ब्राउजर पर जाना है जहाँ पर आपने लिखना है west.org, www.west.org। देन इसके बाद आप यहाँ पे इस फर्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। इस पेज पे जब आप पहुँच जाएंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू एप्लीकेशंस, रिटर्निंग एप्लीकेशन, दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपने न्यू एप्लीकेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 1, सबमिट योर एप्लीकेशन एंड रिसीव योर वेस रेफरेंस नंबर, देन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, then we verify your credentials, create a report and deliver to your
रेसिपेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं अप्लाई नाउ। ध्यान दें आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फास्ट हो। अब देखिए वेस किस किस के लिए काम करता है। वेस आपका यूएस और कनाडा के लिए काम करता है। वेस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप स्पेशली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर हायर और कंटिन्यू एजुकेशन, इसके लिए आपको वेस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए आपको ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC पे क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है वेस में। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने अपने डॉक्यूमेंट या अपने पासपोर्ट से मैच करता हुआ लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम। ठीक है, देन आप इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लें। डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ आपने देना है यहाँ पे, बर्थ ईयर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ से बहुत ही इजी ऑप्शन है कनाडा इमिग्रेट होने का, आप एजेंट के चक्कर में पढ़ के अपना पैसा वेस्ट ना करें। ओके, डू यू हैव वेस रेफरेंस नंबर? नो, आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं होगा। आप इसके बाद अपना ईमेल आईडी डालें, ठीक है, री इंटर ईमेल आईडी, ठीक है, पासवर्ड आप यहां पे डालें। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप बाद में इसको यूज करने वाले हैं, तो कहीं पे नोट कर लें। ठीक है, री एंटर सेम पासवर्ड आपने यहाँ डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, वेयर वर यू बॉर्न। ठीक है, ठीक, आपने अपना सिक्योरिटी आंसर याद रखना है। ओके, then would you like to receive email from WES about resources and upcoming events? इसको yes कर लें ताकि आपको updates पता चलते रहें। ठीक है, क्या क्या हो रहा है WES में, कहीं कोई role change तो नहीं हो गया। इसके बाद process पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका account create हो गया my application IRCC पे। ओके, यहाँ से आप save and exit कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ account create करना है अभी, but हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, लास्ट नेम, ये लिखना है आपने। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। ओके, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ओके, पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है, एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे, फिल कर लें अपना एड्रेस पूरा क्योंकि इसी एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स आने हैं। ओके, पोस्टल कोड और टेलीफोन नंबर आपने देना है। यूएस कनाडा में है तो उसका नंबर दीजिए, इंडिया में है तो इंडिया का नंबर दीजिए। ठीक है, इसे नंबर डालने के बाद आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, देन आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब आ गया मेन ऑप्शन है, मेन चीज़ हम जो कर रहे हैं वो है एजुकेशन। ठीक है, तीन स्टेप्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर एजुकेशन, देन रिपोर्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, हम सेकंड में योर एजुकेशन, यहाँ पे व्हाट क्रेडेंशियल्स यू हैव अर्नड, ऐड क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। ओके ओके, चलिए छोड़िए। कंट्री ऑफ एजुकेशन, आपने जहाँ से एजुकेशन ली हुई है, मैं इंडिया से ली हुई है तो इंडिया से लिखूँगा। कौन सा एजुकेशन आपने लिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन,
ठीक है, क्लिक हेयर इफ यू आर सबमिटिंग मास्टर्स डिग्री और PGDIP फॉर इवेल्यूएशन, क्लिक हेयर इफ यू हैव स्टडीड इन आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा, ठीक है, मेडिकल सिस्टम, ओके। हम यहाँ पे मास्टर्स करेंगे, फॉर यू ऑल एप्लीकेंट सबमिटिंग मास्टर्स डिग्री और पीजी डिप्लोमा अर्न्ड ऑन टॉप ऑफ 3 ईयर्स बैचलर डिग्री फॉर एवेल्यूएशन, वेस्ट रिक्वायर दैट यू प्रोवाइड द बैचलर डिग्री डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज वेस्ट कैन नॉट कम्प्लीट द एवेल्यूएशन। इसका मतलब है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है उसके लिए आपको बैचलर्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके ओके, हम यहाँ पे करते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे आया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा आ गया। ओके ये आगे देखिए, एप्लीकेशन वेस्ट डज नॉट इवेलुएट एकेडमिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओके इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, एक मिनट। ओके सिक्किम मणिपाल के लिए नहीं हो रहा है, तो फिर हम इंदिरा के लिए करते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। नेम ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद योर नेम ऑन क्रेडेंशियल्स, अपना नाम जो आपके सर्टिफिकेट में नेम है उस पर लिखिए, फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है उसको लिखना है आपने, ठीक है। ईयर अवार्डेड कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था, ठीक है, और ईयर अटेंडेड कब से कब तक आपने अटेंड किया था, 2013 to 2012 to 2013 15, ओके सेव। ओके तो इसी तरीके से आप अपना और भी अपना डॉक्यूमेंट, अदर क्रेडेंशियल्स, मास्टर्स और जो भी आपके अदर डिग्रीज हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आपने जो भी लिए हुए हैं उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसके लिए नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका कॉपी ऑफ योर वेस्ट क्रेडेंशियल इवोल्यूशन रिपोर्ट्स इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ योर इवोल्यूशन, योर कॉपी विल बी सेंड टू बिलो एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, इवोल्यूशन कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी आपके एड्रेस पे जो भी वेस्ट इवेल्यूएट करेगा। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ओके। प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग टाइम है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम इज 20 डेज, 20 बिजनेस डेज, उसमें संडे जो भी क्लोजिंग डेज है वो नहीं माना जाएगा, एटलीस्ट आप मान के चलिए 25 डेज तक चला जाता है, ठीक है। और प्राइस जो आपकी फ़ी जो लगेगी $200, $200 कैनेडियन है पड़ेगी आपको फ़ी, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड से। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, रेजिमेंट किस तरीके से आपका आपको आपका क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड मेल से या फिर इंटरनेशनल कोरियर जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, $85 है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड में करिए, $7 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही होता है। देन
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रकाश सिंह, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीट स्टडी, सेंड अ क्लियर एंड लेजिबल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू वेस्ट, डू नॉट सेंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये मेन चीज़ है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी बना लें और उसको सेंड करना है आपने। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जो भी आपका ईयरली जो भी आपके मार्कशीट होती है वो भी आपने सेंड करनी है, उसकी कॉपी आपने सेंड करनी है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, फॉर कंप्लीट इनकम्प्लीट इन स्टडी, आपने क्या करना है, एक फॉर्म आपको मिलेगा आगे, ये देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म, ओके, इसको आप भी डाउनलोड हो जाएगा, जैसे डाउनलोड होता है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद ओपन हो रहा है, आपने ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट फॉर्म को आपने किस तरीके से फिल करना देखते हैं हम आपने, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, अब इस फॉर्म का आपने करना क्या है, ये फॉर्म फिल करके आपने यूनिवर्सिटी लेके जाना है, ठीक है। बट आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट, ये ऊपर वाला सेक्शन जो है ये एप्लीकेंट के लिए है, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला सेक्शन, ये जो फॉर ऑथराइज्ड ऑफिशियल, इसमें आपका यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट होगा उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। बट आपने यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन फिल करना है, जो वैस रेफरेंस नंबर होगा, लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे फी तो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, इसके बाद आपने लास्ट नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस लिखना है, डेट अटेंडेड कब से कब तक, मंथ और ईयर, ठीक है। स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर अगर एप्लीकेबल है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिग्री नेम आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने, डेट कर लिखने के बाद आपने फॉर्म यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना है, जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जो कि आपको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट भेजेंगे आपके एड्रेस पे, और वो आपको बता देंगे कि आपको कब जाना है, या तो आप बाय हैंड पिकअप कर लें या फिर आपको मेल कर दिया जाएगा, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एनवेलप में, सील्ड एनवेलप में आपको मिलेगा, ठीक है। उस एनवेलप में आपने वेस्ट रेफरेंस नंबर, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, टेंशन डॉक्यूमेंट्स, स्टेशन सेंटर, ठीक है, ये सारा, ये वाला एड्रेस लिखकर आपने भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, कॉपी जो आप भेज रहे हैं फॉर्म के साथ। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन का बताया था, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए दो टाइप के आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, दो एनवेलप होंगे आपके पास, एक ग्रेजुएशन के लिए, एक वैस, सॉरी आपका मास्टर्स के लिए, उसमें भी आपने सेम अपना वैस रेफरेंस नंबर और ये एड्रेस लिखकर सेंड करना है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है, वैस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर कैनेडा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। बिफोर सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट, When sending your document, ठीक है, please do not send personal photocopies, original documents, ठीक है, documentation regarding non-formal training or work experience, ठीक। तो ये आपका document checklist है, आप देख लीजिए इसको, और आप चाहें तो वैस की वेबसाइट में जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, west.org/ca में जाकर, ओके, देन आप यहाँ पे आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपको मिल जाएगा वैस का, उसके बाद आप उसको सेंड करेंगे एड्रेस जो मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस पे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, जो भी मैंने फिल किया था इसको आज सर्टिफाइड द इन्फॉर्मेशन आई एम सबमिटेड एक्यूरेट। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है एक्नॉलेज कर लीजिए, इसको चेक कीजिए तीनों ऑप्शंस को, देन हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे $200 असेसमेंट पैकेज है,
स्टैंडर्ड डिलीवरी $7, हार्मोनाइज सेल्स टैक्स HST जो कनाडा में टैक्स लगता है, जैसे इंडिया में GST है वैसे कनाडा में GST भी है और HST भी है, बट यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट टैक्स सिस्टम है। तो यहाँ पे HST जो टैक्स लगेगा आपका $26 टैक्स लगेगा। देन हम पेमेंट कैसे करना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, चेक, मनी ट्रांसफर, मनी ऑर्डर या फिर वेस्टर्न यूनियन से, बेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड से करें। देन सबमिट। ओके, बहुत ही इजी ऑप्शन है, अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बिलिंग एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है क्रेडिट कार्ड का, देन सबमिट पेमेंट, पेमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको वॉइस रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा, आपके ईमेल में आ जाएगा। देन आप इजीली अपना वॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस कैसे क्लियर करना है आपने, और आपने आपके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आपने यहाँ, आपको यहाँ पर टोटली 233 कैनेडियन डॉलर पे करने हैं, बट अगर आप एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट आपको बोल देंगे कि हम आपका वॉइस क्लियर करवा देंगे, हम आप हमें 25,000 या 50,000 दीजिए, वॉइस क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़े से भी एजुकेटेड हैं तो आप इजीली अपना वॉइस क्लियर कर सकते हैं और कनाडा इमिग्रेट हो सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें। और सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ में लाइक तो करते रहें, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, नए नए वीडियोस। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।